मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल प्राइम हॉस्पिटल में एक 13 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि ये बच्ची अमृत नगर दरगाह के इमाम हसीबुर रहमान की बेटी नकीबा थी। हसीबुर रहमान और मुफ्ती अशरफ ने प्राइम अस्पताल के बारे में बताया कि बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे थे, और ये भी बताया कि अस्पताल का ICU बंद है और स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और इसी वजह से बच्ची की मौत हो गई। मगर MM Moli स्टेडियम में आज मीटिंग के दौरान नगर सेवक जफर नुमानी ने ये बात TMC के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी के सामने रखी। कहा कि आप लोग ऐसे अस्पतालों पर एक्शन क्यों नहीं लेते हो जिस अस्पताल में इलाज के बिना किसी मासूम की मौत हो जाए। साथ ही ये भी कहा कि हमारा ये अहम मुद्दा है कि हमारे मुमरा शहर में लोगों को इलाज के लिए बेहतर अस्पताल मिले, मगर इन अस्पतालों में इस वक्त कोरोना संकट में किसी भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, और मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है इसलिए 13 साल की बच्ची भर्ती ना होने की वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया और उस बच्ची की आखिरकार मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि इन TMC के अधिकारियों को ये सब नहीं पता है। शहर की मीडिया लगातार खबरें चला रही हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, ICU बंद है, मरीजों की भर्ती नहीं हो रही है। ये सब जानते हुए भी ये TMC के अधिकारी खामोश आखिर क्यों हैं? इन अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? एक के बाद एक अस्पतालों की लापरवाही की वजह से मौत हो रही है। आखिर TMC के अधिकारी खामोश क्यों है? मुंब्रा कौसा के इन अस्पतालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मगर एक बात यहां आपको बताना और ज़रूरी है कि TMC के जो अधिकारी हैं वो दिन रात मुंब्रा कौसा में घूमते हैं और हाथ गाड़ी, ठेला गाड़ी और दुकानदारों पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है, करिए, जो नियम का उल्लंघन करते हैं उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, मगर इसी शहर में अस्पतालों में ICU बंद है, अस्पतालों में डॉक्टर स्टाफ नहीं है और इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मगर आज नगर सेवक जफर नुमानी ने जब ये बात मनपा के सामने चीख चीख कर रखी कि सुनिए, हमारे शहर के लोग अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर मौत की नींद सो रहे हैं, तब जाकर थोड़ी सी मनपा की नींद खुली है और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एक बात, दूसरी बात सर, कल प्राइम हॉस्पिटल में 13 साल की एक बच्ची गेट पर खड़ी रह गई, उसको बहुत फोर्स किया गया, मुफ्ती साहब पहुंचे, उसको ले ही नहीं रहे थे, और जब बहुत ज्यादा उनकी बहस हुई, जब जाकर तो उस पेशेंट को लिया गया, तब वो एक्सपायर कर चुकी। वो एक केस, रात को एक केस हुआ, तलवर नगर का केस है, उन लोगों ने पूरे मुमरा के हॉस्पिटल में लेकर के वो पेशेंट को दौड़ने के बाद उसको कहीं नहीं लिया गया। फिर मैंने उनको शिवाजी पहुंचा, शिवाजी में जैसे एडमिट किया वो एक्सपायर हो गई। अभी न्यू नशेमन की एक औरत, अभी उसकी मट्टी आई है, उसको डिलीवरी हुई है, वो उसका भी सेम कंडीशन है। सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि मुमरा के जो भी हॉस्पिटल हैं, जो ICU बंद करके रखे हुए हैं, जो बाहर से डॉक्टर आते थे, वो सर कहाँ है? वो लोग किसका इलाज करेंगे? कब इलाज करेंगे? जब लोग मर जाएंगे तब इलाज करेंगे? वो लोग कहाँ है? हमारे यहाँ प्रेग्नेंट औरत प्रेग्नेंट औरत पूरे शहर में दौड़ती है रिक्शा लेकर के, शिवाजी जाती है, वो सिविल हॉस्पिटल जाती है। सर, उसको कोई लेता नहीं, वहाँ पर बेड फुल है, वो लेते नहीं है। सर, वहाँ बेड फुल है, फिर वो मुमरा आती है, फिर वो रास्ते में जाती है, फिर उसका एक्सपायर हो जाता है। सर, क्या है ये सारी चर्च? ये मेन अहम मुद्दा ये है हमारा। सर, सफायर हॉस्पिटल में जो महात्मा ज्योतिबाई फुले योजना, हमारी जहाँ तक जानकारी है, उसमें चालू हो गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज हो रहा है। सर, हमारे पास भी एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी ये सुविधा लाई जाए। सर, आप लोगों के पास हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करने का मतलब ये है सर कि जनप्रतिनिधि जो होता है सर, सबसे पहला कॉल जो आता है वो मुमरा में जनप्रतिनिधि को आता है, तो चाहे रात हो चाहे सुबह हो। दूसरी बात सर, जो ईद की बात हुई, कल डायमंड में सीनियर साहब ने एक मीटिंग रखा था ईद के ताल्लुक से, हम लोगों ने स्ट्रिक्टली साफ शब्दों में कह दिया है कि हम ईद नहीं मनाएंगे। ये जो मसला है, ये उलमाओं का मसला है, उलमा जो फतवा देंगे हम उसको मानेंगे, और जो लोग कपड़े की दुकान, चूड़ी की दुकान, सैंडल की दुकान, उसको सील करिए, उसके ऊपर कार्रवाई करिए। तीसरी बात, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो सर, हम शहर में घूमने के लिए साथ में तैयार हैं। अभी देखिए
कोरोना वायरस की वजह से जो नॉन कोरोना वायरस जो बीमारियां हैं और जिसकी वजह से हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, फिर वो प्रेग्नेंट लेडी हो या डायलिसिस का मसला हो या कोई हार्ट का इशू हो, सो उन चीज़ों पे उतना उन बीमारियों को उतना वेटेज दिया नहीं जा रहा। एक्चुअली जो पिछली मीटिंग हमारी हुई थी जिसमें कि हॉस्पिटल्स के हमारे सब रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो उन्होंने हमें ये बोला कि हो क्या रहा है कि अभी कोई सीवियर फीवर वाला अगर सामने आ गया है हमारे सामने, तो जो हॉस्पिटल है वो डर रहा है कि ये कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। अब उसके आईसीयू में ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, अगर गलती से वो इसको एडमिट कर देता है और उसके बाद वो पॉजिटिव निकलता है तो उसके आईसीयू के जो सारे पेशेंट हैं वो तो गए 12 के भाव से। तो इसीलिए लास्ट मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि ऐसे सीवियर पेशेंट्स जिनका कि टेस्टिंग नहीं हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन वार्ड की फैसिलिटी मुंब्रा में शुरू करनी है। जी। तो आज ही मैं कालसेकर हॉस्पिटल गया और वहाँ कितनी 21 बेडेड ना, हाँ, तो वहाँ 26 बेड्स का एक आइसोलेशन वार्ड भी हम बना रहे हैं। तो उसमें होगा क्या कि जैसे आपने ना, मुझे आज ही सुबह पता चला 13 साल की लड़की का मैंने इलाज नहीं होने की वजह से मौत होना, मैं तो बोलता हूँ कि हमें इस चेयर पे बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में जो है जो डॉक्टर बोल रहे हैं, हमारे डॉक्टर स्टाफ आ ही नहीं रहे, वो लोग नवी मुंबई दूसरे जगह से आते हैं, वो लोग आ ही नहीं रहे, तो इलाज होगा क्या? अगर अगर हम हमारे लोगों की मदद नहीं कर सकते जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो सर हमको इसकी पोस्ट पर लानत है, हमको इसकी पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। मैं जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन डॉक्टर गाड़े साहब, एक मिनट यार। अभी ये जो जिस हॉस्पिटल का उल्लेख किया गया और 13 साल की जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, त्या संबंधी प्लीज सखोल चौकशी करून मला अहवाल द्यायचा आहे तुम्ही, आणि जर ते हॉस्पिटल दोषी, वी विल सील दॅट व्हेरी हॉस्पिटल। मुफ्ती साहब आप बताओ ना। हाँ, सर मैं अभी देखो, एक मिनट, ये इस मसले की इंक्वायरी हमारे डॉक्टर गावड़े करेंगे, तो आपको अगर पता है, आपको अगर इस केस के बारे में पता है, आप उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, है ना, आप उनके सर वो इमाम साहब बेचारे बिलाल हॉस्पिटल लेके गए, बुरहानी हॉस्पिटल लेके गए, नो वन हॉस्पिटल इज गोइंग टू टेक यू सर। तो सर ये प्रॉब्लम सब बहुत बड़ा है सर, और साथ में सर एक पेशेंट भी था, वो इमाम साहब बच्ची सर वैसे ही सर। 13 साल की जो बच्चे का डेथ हुआ है उस पर अभी अंदर जो मीटिंग हो रही थी, तो इसमें क्या फैसला लिया गया प्राइम हॉस्पिटल को? प्राइम हॉस्पिटल में जब वहाँ पर लोग पहुँचे, वो दरगाह गली के इमाम साहब हैं, दरगाह गली के इमाम साहब की बच्ची थी, जिन इमाम साहब वहाँ पर दरगाह में नमाज पढ़ाते हैं, 13 साल की बच्ची थी, प्राइम हॉस्पिटल पहुँची, मुमरा के सारे हॉस्पिटल में घूम करके वो प्राइम हॉस्पिटल पहुँची। जब प्राइम हॉस्पिटल पहुँची, गेट पर उसको लिया ही नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए आपस में, ना इत्तेफाकिया पैदा हुई, पैदा होने के बाद बहुत वहाँ मुफ्ती अशरफ साहब पहुँच गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, बहुत सारी बहस हुई, लेकिन जब वो अंदर गई तो बच्ची का इंतकाल हो गया। मतलब ये कि अगर वो बच्ची को सही टाइम पर उसको अंदर ले लिए होते तो बच्ची की जान बच सकती, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आज बात हुई है, उन्होंने कहा अभी आज यहाँ पर भी ये मुद्दा उठा है, तो टीएमसी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग आपसे क्या बोले? मनीष जोशी साहब ने गावड़े साहब से एकदम साफ लफ्जों में कहा है कि उसकी पूरी तहकीकात करके हमको दी जाए, अगर उसमें प्राइम हॉस्पिटल की गलती पाई जा रही है तो उसको फौरन उस पर कार्रवाई की जाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।